दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग F55 5G स्मार्टफोन को सैमसंग F54 5G स्मार्टफोन के साथ में। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर AMOLED प्लस पैनल मिल रहा है। अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो F55 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ F54 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहां पर Samsung F55 स्मार्टफोन ही विनर है। और आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों फोन्स के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी भाई जरूर से देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन यार चिपसेट में यहां पर फर्क है, क्योंकि F55 के अंदर तो हमें Snapdragon 7 Gen 5G चिपसेट मिल रहा है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन यार F54 के अंदर हमें Exynos 1380 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों Exynos प्रोसेसर भाई इतना ज्यादा हीट होता है ना कि बुरा ही हाल हो जाएगा फोन के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हीटिंग इशू इसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी भाई। तो इस हिसाब से तो भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में Samsung F55 स्मार्टफोन ही विनर है। और एंटू टू स्कोर की अगर हम बात करें तो F55 का आता है 5,80,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ F54 का आता है 5,10,000 के करीब। दोस्तों ज्यादा एंटू टू वाला भी स्मार्टफोन लेना ना, डेफिनेटली F55 की तरफ ही जरूर से जाइए। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे F55 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ F54 का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों F54 का जो मेन कैमरा ना 108 मेगापिक्सल का, भाई अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर मुझे इन दोनों में किसी एक को चूज करना हो ना एकदम बढ़िया फोटोज के हिसाब से, तब मैं यहां पर डेफिनेटली F55 की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई अब और भी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की। तो F55 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ F54 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। नो डाउट यार सेल्फी लवर के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना भाई सही में बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया, जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटो भी क्लिक कर देंगे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो F55 यहां पर 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ F54 यहां पर 6000mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर Exynos प्रोसेसर मिल रहा है, हीटिंग इश्यू की वजह से जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगी आपकी। तो इस हिसाब से तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ना यहां पर भी F55 स्मार्टफोन ही विनर है। और एक और बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको किसी में भी चार्जर नहीं मिलना भाई, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर F55 यहां पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ F54 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें F55 के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ F54 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि F55 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ F54 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों F54 Exynos प्रोसेसर जमा बेकार है, तो भाई इस फोन को तो गलती से भी मत लेना। हां, इसकी जगह पर आप F55 स्मार्टफोन को जरूर से बाय कर सकते हैं, ये फोन एकदम बढ़िया डील है।